सच्चा गुरु वही होगा जो सबसे पहले तो सच्चा व्यक्ति होगा, जिसके हृदय में सच्चाई होगी और उसके भी गुरु सच्चे रहे होंगे और जिन्होंने उसको सच्चे मार्ग पर चलने का सच्चा उपदेश दिया होगा और वो पूरी सच्चाई से उस उपदेश का जीवन में पालन करके उस रास्ते पर चल रहा होगा और उसने समस्त कायनात की, मानवीय संबंधों की, आध्यात्म की और सांसारिक चीज़ों की सच्चाई को उसने अनुभव किया होगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति यदि गुरु बनता है तो वो सच्चा गुरु होता है। इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात बता दूं, गुरु और शिष्य का संबंध चार प्रकार का हमारे यहाँ बताया गया है। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य, शिष्य गुरु से ज्ञान लेने आया, गुरु उसको ज्ञान दे रहा है। दूसरा गुरु पिता है, शिष्य शिष्य उसके पुत्र और पुत्री है। तो जब भी कोई मुसीबत आए या आपत्तिकाल होता है तो गुरु एक पिता की तरह उनकी रक्षा करता है, सहारा देता है। तीसरा है गुरु मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही मित्र के साथ अपने रहस्यों के बारे में बातचीत करते हैं और गुरु अपने जीवन के रहस्यों को अगर शेयर कर रहा है तो मित्र के ही साथ करेगा। तो गुरु और शिष्य का संबंध मित्रवत भी बताया गया है। चौथा संबंध गुरु पुत्र के समान भी है, क्योंकि गुरु भी एक मनुष्य है, उसके लिए भी कोई समस्या आ सकती है और कुछ भी सामना उसको करना पड़ सकता है संकटों का। उस समय शिष्य का कर्तव्य है कि अपना पुत्र मानकर गुरु की सहायता करें। तो ये चार प्रकार के संबंध हमारे यहाँ गुरु शिष्य के बताए गए हैं। यदि सही परंपरा है और कोई स्वयंभू गुरु नहीं है, उसके पीछे गुरुओं की परंपरा चली आ रही है, ऐसी परंपरा में यदि कोई दीक्षित होता है तो वो जन्म जन्मांतर तक चलने वाला संबंध स्थापित होता है। ये हमें बिल्कुल निश्चित तौर से स्वीकार कर लेना चाहिए। एक मित्र के समान, पुत्र के समान, शिष्य के समान और पिता के समान, अभी जो हम लोगों ने बात करी वैसा ही उसका कर्तव्य होना चाहिए। यदि मन में शुभकामना नहीं है तो गुरु शिष्य संबंध बनेगा ही नहीं कभी। मैंने तो यह देखा कि गुरु से बड़ा शुभचिंतक कोई मैंने देखा नहीं है अभी तक। हमने अपने गुरु को तो देख के यही सीखा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे शिष्य भी शायद ये अनुभव करते होंगे। श्री शैलेंद्र शर्मा बिलोंग्स टू द लीनेज ऑफ इमॉर्टल गुरु महावतार बाबा जी महाराज। ही इज द ओनली क्रिया योगा गुरु हु हैज गिवन कमेंट्रीज ऑन श्रीमद भगवद गीता, योग दर्शन, हठ योग प्रदीपिका, गोरख बोध एंड शिव सूत्र टुगेदर।